आपने वो फिल्में तो जरूर देखी होंगी जब शुरुआती दौर में विलन के पास कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो पूरा का पूरा एक साम्राज्य बना लेता है। और ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में भी हुआ। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके साम्राज्य की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है शाहजहां शेख, जिसने संदेश खाली में ऐसा साम्राज्य बनाया जिसकी कहानी सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज श्रेष्ठ भारत पर बात होगी शाहजहां शेख के साम्राज्य की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीते दिनों से एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। ये नाम शाहजहां शेख का ही है। टीएमसी नेता रहे शाहजहां शेख बीते दिनों अचानक तब चर्चा में आया जब ईडी उनके यहाँ छापा मारने पहुंची। ईडी टीम पर शाहजहां शेख के लोगों ने हमला किया, जिसके बाद कई अफसर घायल हुए। उसके बाद शाहजहां शेख को लेकर खुलासे पर खुलासे होने लगे। सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतरी और शाहजहां शेख के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर यौन शोषण के आरोप लगाए, जिसके बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीति गरमाई और अब ये लोकसभा चुनाव में चर्चा बन गया है। आरोप है कि शाहजहां शेख ने कम समय में बड़ा साम्राज्य तैयार किया। ईडी अब उसके नाम पर रखे गए बाजार से लेकर सैकड़ों बीघा जमीन, मत्स्य पालन से लेकर ईंट भट्टों और अतिथि ग्रहों तक जांच कर रही है, क्योंकि शाहजहां शेख का साम्राज्य इतना बड़ा है कि उसकी कड़ी अब धीरे धीरे खुलने लगी है। स्थानीय रूप से भाई के रूप में जाने वाला शाहजहां शेख का दबदबा इतना था कि संदेश खाली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले टीएमसी उम्मीदवार अक्सर निर्विरोध या हाई मार्जिन से जीतते थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर 24 परगना जिले के दो ब्लॉक संदेश खाली 1 और संदेश खाली 2 शामिल हैं। ये 5 जनवरी का दिन था जिसके बाद से शाहजहां शेख पूरे देश में कुख्यात हुआ। उसके आवास पर तलाशी लेने गई ईडी की एक टीम पर शाहजहां शेख के समर्थकों ने हमला किया। संदेश खाली जिसके बाद सुर्खियों में आया, क्योंकि संदेश खाली की महिलाएं कई आरोप शाहजहां शेख पर लगा रही थी और शेख और उसके सहयोगियों पर यौन शोषण का आरोप लगा था। फिर 55 दिनों तक फरार रहने के बाद टीएमसी का कद्दावर नेता शाहजहां शेख 29 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। संदेश खाली के निवासियों के मुताबिक शाहजहां शेख कभी संदेश खाली में ट्रैकर का हेल्पर यानी टूरिस्ट गाइड हुआ करता था। धीरे धीरे वे वाम मोर्चा की रैलियों में दिखाई देने लगा। शाहजहां शेख जल्द ही सीपीआई के एक प्रधान का करीबी बन गया। जल्द ही शाहजहां शेख राजनीति के हस्तक्षेप से बाहुबली बना। उसने टीएमसी ज्वाइन की और स्थानीय लोगों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। 2013 में सरबेरिया अघराटी ग्राम पंचायत का शाहजहां शेख उपप्रधान बना। उसने यहां टीएमसी नेताओं को किनारे लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद शाहजहां शेख जल्द ही संदेश खाली का डॉन बन गया। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद स्थानीय बीजेपी नेता प्रदीप मोंडोल की हत्या हुई। इस प्रकरण में शाहजहां शेख का नाम आया। आरोप है कि उसका प्रभाव इतना था कि पुलिस ने अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की, उससे शाहजहां शेख का नाम हटा दिया गया, जिसके बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। शाहजहां शेख ने लोगों की जमीन हड़पनी शुरू कर दी। इन जमीनों पर उसने मत्स्य पालन शुरू किया। शाहजहां शेख ने अपना दबदबा कायम रखने के लिए 200 लड़कों को 6000 रुपए से 15000 रुपए प्रति महीने काम पर रखा। इन युवाओं का काम होता था कि वे बाइक लेकर क्षेत्र में घूमते थे। शाहजहां शेख को भी बाइक चलाने का शौक था, इसलिए वे भी अपनी मोटरसाइकिल से निकलता था। इस दौरान स्टंट भी गुंडों की तरह करता था। शाहजहां शेख का इतना खौफ था कि लोग उसके कहने पर ही वोट देते थे, क्योंकि उसके लोग मतदान केंद्रों पर मौजूद रहते थे। यहां तक कि 8 महीने पहले हुए बंगाल पंचायत चुनाव में भी शाहजहां शेख ने निर्विरोध जीत हासिल की और वो टीएमसी का जिला परिषद सदस्य बना। उसे मत्स्य पालन विभाग की जिम्मेदारी तक दी गई। टीएमसी ने उसे संदेश खाली विधानसभा सीट का संयोजक और संदेश खाली 1 ब्लॉक का अध्यक्ष भी बनाया। 21 साल तक टीएमसी के बरजामुर क्षेत्र के अध्यक्ष रहे हलधर अरी को 2019 में हटा दिया गया और उनकी जगह शाहजहां के भाई सिराजुद्दीन को नियुक्त किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक शाहजहां शेख की अपनी अलग अदालत चलती थी। लोग पुलिस में जाने की बजाय उसके पास जाते थे।
अगर लोग पुलिस के पास गए भी तो उसका प्रभाव से या तो शिकायतों को खारिज कर दिया जाता था या पुलिस कार्रवाई करने के लिए पैसे मांगती थी। शाहजहां शेख के फरमान पर ही संदेश खाली में हर काम होता था। शाहजहां शेख के पास मदद लेने जाने वालों से वे वसूली करता था। यही कारण था कि हमेशा उसकी जेबों में कैश भरा रहता था और फिर उसने इन्हीं पैसों से अपने सपनों का महल भी बनाया। शाहजहां शेख का घर रंगीन कांच की खिड़कियों वाला है। शाहजहां शेख का 4 मंजिला वाला एक महल नुमा घर है जिसे 4 घरों को मिलाकर बनाया गया है। उसके घर में ही तालाब और बगीचा भी है। तो अब आप पूरी कहानी समझ गए होंगे कि आखिर शाहजहां शेख का साम्राज्य कैसे बना। ये कहानी आपको थोड़ी फिल्मी तो लगी होगी लेकिन ये सच्ची कहानी है, क्योंकि इस कहानी का विलन भी शाहजहां शेख है और स्क्रिप्ट राइटर भी, जिसने ऐसी कहानी लिखी और उस कहानी का ऐसा किरदार निभाया जिसे किसी ने भी सुना तो वो हैरान रह गया। लेकिन शाहजहां शेख का सच यही है और हम सच बताते हैं, और श्रेष्ठ भारत आपको ऐसी सच्चाई बताता रहेगा। ऐसी तमाम और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।